Hello everyone, welcome back to my channel. This is Merlin and I hope you are doing amazing. So if you're new to my channel, please do subscribe to my channel, like, share and comment as well at the same time. So looking at the thumbnail, you got to know what I'm going to talk about in today's video. Yes, I'm going to talk about the interview process and how to go about it. So without wasting any further, let's just get into the video. So आज मैं आपको सारी ना बेसिक चीज़ें जो है वो इधर उधर की मैं बताऊंगी आपको कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए. टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइज. व्हेन यू आर गोइंग टू द इंटरव्यू, मेक श्योर कि आप ना थोड़ा रिलैक्स होके जाओ. किसी भी चीज़ का लोड नहीं लेना है आपने. आपने बिल्कुल बिंदास होकर इंटरव्यू के लिए जाना है. डर तो आपके चेहरे पर बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए. इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप है ना थोड़ा सा यू नो चौपी और थोड़ा सा काम रहोगे ना, उतना आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा. जितना आप यू नो स्ट्रेस लोगे एंड यू नो आप अगर सोचोगे कि भाई मेरा नहीं होगा, तो आपका नहीं ही होगा. मेक श्योर कि आप यू नो जो नेगेटिविटी आपके जो दिमाग में है उसको बड़ा सा क्रॉस लगा के ना निकाल दीजिए बस आपके दिमाग से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना स्टे पॉजिटिव रहे. वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर स्टेइंग पॉजिटिव ना, तो आपके दिमाग में सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में चलती रहेगी. अगर आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव आपके साथ होगा. सो मेक श्योर कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बिंदास होके जाइए. आई मीन किसी का डर नहीं, कुछ नहीं. जस्ट मेक श्योर कि आप यू नो, मैं एक टिप यहाँ पर ज़रूर दूंगी आपको कि नो मेक श्योर कि आप ना इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप जितना रियल हो सको ना लेडीज, उतना आपको रियल रहना है. इट्स लाइक आप किसी भी चीज़ के लिए आप फेक मत कीजिए कोई चीज़ के लिए. बिकॉज जो इंटरव्यूअर आपका जो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो 10 20 30 पता नहीं कितने सालों से वो कितने लोगों का इंटरव्यू ले चुका है. सो अगर आप थोड़ा भी अगर फेक बनोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो पकड़ा जाएगा. सो मेक श्योर कि ना आप ना जितना रियल हो सको ना लेडीज, आप उतना रियल रहो प्लीज़. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ओवर हियर कि आप जो हैं बस हैं, आप उनको बता दीजिए. जस्ट डोंट फियर व्हेन यू आर टेलिंग. अगर आप जब आप डर दिखाओगे ना, तो आप उतना ही उस आंसर में ना इतने फंसते जाओगे ना कि मतलब आपको एंड में आपको लगेगा कि ओ शिट मैंने क्या बोल दिया उनको. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप ना बस एकदम बिंदास होकर इंटरव्यू देने जाना. किसी का डर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है. सब इंटरव्यू के मैं प्रोसेस बताऊंगी आपको क्या सिंपली करना है. अगर मानो आपका कल इंटरव्यू है, तो मेक श्योर कि आप एक दो दिन पहले ही आपका जो भी सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपको इंटरव्यू के लिए लेके जाना है, वो आप इकट्ठा करके एक फाइल में आप प्लीज़ उसे रख दीजिए. ताकि नो अगर आप दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो ये ना हो कि ओ शिट अगर मैंने यू नो मैंने ये मिस कर दिया, मेरे पास ये तो है नहीं डॉक्यूमेंट, अब मैं क्या करूँ, लास्ट मिनट कहाँ से लाओ. तो सारे डॉक्यूमेंटेशंस के जो है वीडियो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल रखा है. तो प्लीज़ आप उस चैनल उस वीडियो को ज़रूर देखें. आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे. अब ये दूसरी जो चीज़ है कि आपका जो अटायर है, जो आपको जो पहनना है इंटरव्यू के लिए, मेक श्योर दैट कि आप है ना नी लेंथ स्कर्ट ले लें. नी लेंथ मतलब घुटनों के थोड़ा ऊपर होना चाहिए, या फिर नी तक रहेगा फिर भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट कुछ ज़्यादा ही ऊपर प्लीज़ मत पहनना, बिकॉज इट डजंट लुक प्रोफेशनल. तो आप मेक श्योर कि आप नी तक या नी से थोड़ा ऊपर, बस इतने ही रेंज के हिसाब से आप स्कर्ट पहनिए. उससे ऊपर प्लीज़ बिल्कुल मत जाना. आई वुड प्रेफर कि आप ब्लैक स्कर्ट ही पहने. ब्लैक स्कर्ट जो है वो सारे शर्ट्स पे जाएंगे, न्यूट्रल शर्ट्स. जैसे कि आप ऑफ वाइट ले सकते हो, वाइट ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, जो सारे सटल कलर्स हैं, मेक श्योर कि आप वो शर्ट पहने. ओके, और फिर स्टॉकिंग्स के लिए मेक श्योर कि आप स्किन कलर का ही स्टॉकिंग्स पहने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू. बिकॉज यूजुअली जब आप फ्लाइंग करने लगोगे, तो आपको वहाँ पे तो ब्लैक स्टॉकिंग्स या फिर यू नो थोड़ा सा ग्रे स्टॉकिंग्स, वो तो आपको पहनना ही है, वो तो अलग बात है. बट जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो आप थोड़ा सा स्किन कलर का स्टॉकिंग्स पहने, ताकि जब वो आपका स्किन टेस्ट करे, तो ना उनको मतलब है ना सारे वहाँ पे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, लाइक 100 150 200, तो उनके सामने थोड़ी ना वो सबके यू नो स्कर्ट ये करके वो ऊपर करके देखेंगे. सो दैट्स द रीज़न, ताकि आपके जो भी पैर पे स्कार्स हैं या जो भी है वो विजिबल हो, इसीलिए स्टॉकिंग्स, स्किन स्टॉकिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्किन स्टॉकिंग पहन लीजिए. और
प्लीज फ्लैट पहन के मत जाइए, हील शू ही पहन के जाइए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर कि आप हील शू तो कहीं पर मिल जाते हैं, एंड मिंत्रा पे देख लीजिए, अमेजोन पे देख लीजिए, फ्लिपकार्ट पे देख लीजिए, कहीं भी एक दिन की तो बात है. प्लीज़ जस्ट ट्राई एंड अरेंज फॉर अ हील शू. एंड एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आई नो आप थोड़ा सा जो अभी हेयर की बात आती है, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ना हेयर स्लीक करके जाइए, मतलब है ना फुल लाइक थोड़ा सा जेल स्प्रे लगा के थोड़ा सा जितना हो सके उतना थोड़ा सा स्लीक कीजिए, ताकि वो एकदम नीट लगे व्हेन यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. इट शुडंट बी कि मतलब. और जो इंपॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सपोज़ आप कल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो प्लीज़ ये गलती मत करना कि यू नो आज आप सुबह उठ के आपने हेयर वॉश कर लिया. बिकॉज यूजुअली आप जिस दिन हेयर वॉश करते हो, तो आपका थोड़ा सा बाल जो है वो थोड़ा सा फ्रिजी थोड़ा सा होने लगता है. सो वो थोड़ा सा यू नो सेट करने में उसको बहुत दिक्कत आती है. तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ वो चीज़ ना करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जितना हो सके उतना वो दिन पे हेयर वॉश करना अवॉइड कीजिए, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू. बाल थोड़ा सा स्लीक करके एक अच्छा सा नीट बन पान के चाहिए. मेकअप को थोड़ा सटल रखिए, ज़्यादा लाउड मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है. मेकअप एकदम न्यूट्रल रखिए, एकदम यू नो मेक श्योर दैट कि आप थोड़ा सा यू नो क्लियर रखिए, ज़्यादा केकी वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. मेक श्योर यार आप थोड़ा सा बहुत सटल रखिए. नेल पेंट के लिए आप कोई भी न्यूट्रल कलर लगा सकते हैं. अगेन इट्स लाइक आप थोड़ा सा वो एकदम झगमग डिनचैक वाला कलर्स प्लीज़ अवॉइड कीजिए, वो मत लगा के जाइए. न्यूट्रल कलर जैसे कि वो आपका बेज, ऐसे सारे न्यूट्रल कलर्स लाइक ऑफ थोड़ा सा पिंकिश में, मॉव पिंक, ऐसे सारे शेड्स आप प्लीज़ लगा के जाइए. ओके तो ये हो गया आपका सारा इंटरव्यू का जो ड्रेस कोड है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो पार्ट हो गया. नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू, जब आप अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहाँ पे मेक श्योर कि अगर आपका 9 बजे का इंटरव्यू है, तो प्लीज़ आप 9:05, 9:15, 9:30 बजे प्लीज़ मत जाइए. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वेन एवर यू हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटरव्यू 9 बजे शुरू होता है, तो प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि आप आधा घंटा या 45 मिनट्स पहले वो वेन्यू में पहुँचे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लगता होगा कि यू नो चलो लेट पहुँचने से कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा. लेडीज ट्रस्ट मी, वहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कौन कब कौन से टाइम पे स्कैन कर रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू नो टाइम पे पहुँचे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट शोज़ कि ओके फाइन हाउ मच यू नो यू आर बींग इन अ नीड फॉर दिस जॉब, वो आपको बताता है. द फर्स्ट थिंग इज दैट इट सेट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर. आपको पता भी नहीं चलेगा कि सोच लो आपकी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो सुबह होटल में, ठीक है, और आपके बगल में एक भी नॉर्मल सा यू नो नॉर्मल सा बंदा या बंदी आ रही है, वो आपसे बात करे, आपको पता भी नहीं चलेगा दूसरे मिनट आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वही सामने आपका इंटरव्यू ले. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मेक श्योर कि आप टाइम से ठीक 45-30 मिनट्स पहले पहुँचे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस गिव्स अ वेरी वेरी यू नो गुड इम्प्रेशन ऑन द यू नो इंटरव्यूअर, जब आप वो आपका इंटरव्यू लेगा या जो भी है जो आपको वो विसिनिटी में जो आपको देख रहा है. सो इट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर दैट कि आप यू नो ऑन टाइम जाए इंटरव्यू के लिए. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यू नो नोट डाउन करनी है जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइस. सो आज के लिए बस इतना ही. मैं जो बाकी का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो अब मैं आपको अपने सेकंड पार्ट में बताऊंगी. सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माय सेकंड पार्ट, बिकॉज अगर मैं इस पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट में अगर आपको बताने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है. सो इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट एक छोटा मोटा एग्जाम्पल दे दिया कि आपको कैसे कैसे अपने आपको रेडी रखना है इंटरव्यू के लिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो स्टे ट्यून फॉर माई सेकेंड पार्ट. मैं जल्दी अपना सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी, जो होगा आप जब वहाँ पे होटल में पहुँचते हो उसके बाद का जो प्रोसेस है, मैं आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. सो थैंक यू सो मच लेडीज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वेरी 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 बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू गाइज. मेक श्योर कि आप यू नो अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी क्वेरी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड हेल्प यू गाइस. जितना हो सके मेरे से ना मैं उतना आपके लिए करूँगी, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड. एक टाइम था जब मैं भी आप
के यू नो पोजीशन में थी. एंड यू नो इवन मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स यू नो जो है कैबिन क्रू उनसे मैंने सीखा है और उनसे मैं यू नो देख देख के मैं सारे इंटरव्यू के लिए गई हूँ. सो आई कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू ऑल आर गोइंग थ्रू एंड यू नो आई वुड डेफिनेटली ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू गाइस. सो thank you so much for watching this video, and if you like this video please do share this video and like comment jo kuch bhi karna hai guys please kar dena, but subscribe zarur kar dena is video ke liye. Thank you so much for watching and love you guys and all the very 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 best.